हेलो हेलो। हाँ, हेलो जमाल अहमद साहब, क्या जी खैरियत से हैं? जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? ठीक, आप कौन है भाई? आपका नाम? जी मेरा नाम अली असगर है। खैरियत अच्छा से हैं? जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं आप? कहाँ, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई, मुंबई से हूँ। क्यों? मुंबई से। हाफिज है आली में क्या है? अरे क्यों भाई, क्या पूछना जुर्म है? अरे बताएंगे आप? मैं तो ये नहीं पूछा कि चोर हो तो चोर हो तो पूछा नहीं, मैं तो हाफिज आली में पूछा हूँ। घबरा गए, अजीब कमाल था यार। नंबर से मैं क्या पहली करते हैं बार आप, क्या आपको करते देख हैं आप? मैं कोई मुसरिफत क्या है आपकी? हाँ पढ़ाता हूँ हाँ बस बोलो। हाफिज है आलिम है? आलिम आदि में जहाँ है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। फरागत कहाँ से है? के इस्लाम में रहना ही जी। वो किधर आता है? फैजाबाद वो किधर आता है? अच्छा, जिला। आपने मैसेज किया था मुनासरा ग्रुप के अंदर, तहरीर भेजी थी आपने इल्म क्या गैब के मुताल्लिक। क्या इल्म गैब के ताल्लुक से आप देखें तहरीर पोस्ट की थी गुज़श्ता कल मुनाज़रा ग्रुप में। शायद हो सकता इसमें है। एक फॉर्म नंबर 3 पर फतवा रशीदिया हिस्सा दोम सफा नंबर 16 पर है, जो शख्स अल्लाह हाँ जल्लाशानुहू के सिवा इल्म गैब किसी दूसरे को साबित करे और अल्लाह ताला के बराबर किसी दूसरे का इल्म जान, वो बेशक काफिर है। क्या यह गलत है? क्या फतावा रशीदिया हिस्सा सोम सफर नंबर 16 पर से आपने तहरीर भेजी है कि जो शख्स अल्लाह जल्ल शानहु के सिवा इल्म गैब किसी दूसरे को साबित करे और अल्लाह ताला के बराबर किसी दूसरे का इल्म जाने, वो बेशक काफिर है। क्या ये गलत है? जी आपके नजर से क्या है? आपकी नजरियात क्या हैं? मेरी नजर से तो ये है कि जो अल्लाह तबारक व ताला के बराबर किसी दूसरे का इल्म जाने, वो काफिर है। अल्लाह के बराबर किसी का इल्म नहीं हो सकता। जी, तो आपने तहरीर भेज करके क्या इतराज किया इसको, फतवा रशीदिया की 16 नंबर सफा नंबर 16 पर से? जी अखबार जो है उसे मैंने नकल किया, उसके आगे जो तहरीरें हैं वो भी बाकी हैं। जी तो अखबार है, अखबार मैंने नकल करके जो है भेजा है, उसकी है। अब उसके नीचे जो तहरीरें हैं हाँ जैसे अल्लाह के रसूल के ऊपर कहा जा रहा है कि उनको इल्म गैब नहीं, माजल्ला अस्तकुल्ला मतलब मिट्टी में मिल गए, नहीं नहीं अभी उनको वो जो है मिट्टी में, दूसरा दूसरा कोई मौजूद में से आप इल्म गैब पर बात कर रहे हैं आप? मैंने इल्म गैबी की बात कर रहे हैं हाँ, तो अस्तकुल्ला ये मिट्टी में अस्तकुल्ला मिल गए तो सब बात आप थोड़े हैं, वो अभी अलग अलग क्या है। मौजूद हो जाएगा। एक मौजूद बात करें, और इसमें जो है इसमें आप आलिम हैं तो मुझे लिखा उम्मीद है आप इल्म हैसियत को सामने रखकर गुफ्तगू करेंगे, इधर नहीं, उधर और भागेंगे उसमें नहीं। लिखा गया, और उसमें लिखा गया क्या नाम लस्सी जोर में थी, इस तरह रसूलुल्लाह को इल्म गैब अरे यार, मिला। फिर भाग रहे हैं इधर, आप इसी पर बात करें ना, अरे मुफ्ती जमाल अभी साहब, हाल है तो मुफ्ती पहले जमाल वाला साहब। पहले पहले सुनिए सुनिए, इल्म गैबी की बात कर रहा हूँ, पहले सुनिए आप, हाँ, इसी पहले सफा नंबर सुनिए। 16 पर बात करें आप कि हाँ आपने जो उसी पे तहरीर बात भेजी करें, है जो सुनिए उसका अल्लाह पहले, जल्ले शानहू के पहले सिवा उसी इल्म पे गैब बात किसी दूसरे करें। की को साबित करे और अल्लाह ताला के बराबर किसी दूसरे का इल्म जानो, बेशक काफिर है। इस पर क्या एतराज है आपका? पहले सुनिए तो आप, जी तो ये अखबार अगर इंसान अपने लिख दिया कि ये चीजें हैं ठीक है, तो दूसरों के ऊपर चीजें उछाल देना कि इंसान ऐसा समझता वैसा समझता, खुद अपने पेशवा को रब से बढ़कर जानना क्या ये कुछ नहीं है? हाँ रब से, अल्लाह से बढ़कर जानना, तो अपने पेशवा को, ये इल्म गैब के मौजू पर बल बोल रहे हैं आप? तो फिर अब उसी तो अभी तो अरे कमाल जनाब, आपको मैं मैं बोल रहा हूँ आपको आप अपने आप को आलिम बोल रहे हैं लेकिन आपको इतना पता नहीं है कि मौजू से हटना सही नहीं है। मैंने जो मौजूद आपको से वो हटना सही नहीं, मैं फतवा रशी मौजूदगी से दिया बोल रहा हूँ, हिस्सा मौजूदगी से सोम बोल सफा रहा हूँ। नंबर, वो अकीदा सब आपको ही मालूम है कि अल्लाह से बढ़कर कोई भी किसी को माने तो वो काफिर अरे है। अल्लाह अपनी से बात बढ़कर है कोई नहीं, यार, अल्लाह आप अकबर अजामी भी कहते हैं, नमाज भी कहते हैं, ये अकीदा मुसलमानों का है, ठीक है? अल्लाह से बढ़कर कोई किसी को नहीं वही मानता। चीज नहीं है, वही चीज नहीं। अभी आओ आगे उसके अंदर तो लिखती हुई बातें वो इबारत में लिखे हाँ कर रहे हाँ हैं, लेकिन वो उसका अलग मौजू, वो ज्यादा सब मौजू अलग है, आप इस पर बात मौजूद अलग करें। नहीं, मौजूद वही है।
है कि अल्लाह के सवा किसी दूसरे का उसको अल्लाह के बराबर कोई इल्म माने, अल्लाह के बराबर दूसरे का इल्म वो बात नहीं है, वो उन्होंने लिखा। मैं वही पूछ रहा हूँ आपको, तहरीर ठीक है आपने भेजी है, क्यों बात नहीं है, हाथ क्यों रहे, बात वही है यार, मेरे पास टाइम नहीं तो फिर एहतियात क्यों करते हो, जवाब देने की सलाहियत नहीं, इस्तेदाद नहीं, आलिम क्यों बन गए, सलाहियत रखता हूँ जवाब देने का, सामने आओ बैठ के मुनाजा करो, सामने वाला तुम तहरीर क्यों भेज दिए यहाँ पे व्हाट्सएप में दलील होने के लिए, मुफ्ती अरे जनाब जनाब सुनिए, आप अपने अखबार को पहले देखिए कि उन्होंने क्या लिख दिया, पहले उसको पढ़िए, उसी इसका खुलासा आप नहीं करेंगे, आपने जो फतवा रशीदिया सफा नंबर 16 पर से आपने भेजा है कि अल्लाह के बराबर किसी दूसरे का इल्म जाने में बेशक काफी रहे, और फतवा रशीदिया की तहरीर है, इस पर आपका क्या इतराज है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, भाग क्यों रहे, आपका नंबर है 9117271 9119972711 आपका नंबर है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप भाग इतना भागे भागना चाहे भागे, भागते रहे कोई बात नहीं है, आप रिश्वत दलील होंगे, आपने तहरीर भेजी है तो इसका जवाब आप दें, इसमें क्या एतराज है आपका, अरे उसमें एतराज की नहीं, बहुत बड़ा एतराज है, उसकी बात पढ़िए, उसमें सवाल आपको मिलेगा, मैंने तो कहा कि मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगूई रहमतुल्लाह अलैह जो कहा है हिस्सा दोम सफा नंबर 16 पर कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के बराबर किसी दूसरे का इल्म जाने वो बेशक काफिर है, सही है, दुरुस्त है, हक फरमाया, आपका क्या एतराज, अल्लाह के बराबर किसी को इल्म जानना है, उसको कहना जो उन्होंने ये कह दिया चलो हम मानते हैं उसको, ठीक है, लेकिन खुद अपने पेशवा को रब के बराबर जानना क्या ये कुफ्र नहीं है, किसको आप रब के रब से बढ़कर माना है, अपने पेशवा को उन्होंने खुद अपने पेशवा को जो है रब से बढ़कर मान लिया, किसको माना है जब बताओ, तहरीर इबारत पढ़ो आप, वो कोर्स नहीं इबारत पढ़ो जनाब, मुफ्ती जमाल रजा साहब इस तरह जो दलील आपके पास नहीं है वो बात उठाए नहीं आते, ये आपकी मजहबी रुसवाई होगी, अरे इधर आपकी रुसवाई में तरक्की हो रही है, रुसवाई अभी मैं सो के उठता हूँ, मैं जा रहा हूँ पहले, ठीक है इबारत निकाल कर फोन करो, ठीक है, तैयार नहीं हूँ, इबारत निकाल कर फोन करो, ठीक है, ज्यादा मैं फोन किसी से बात फोन के नहीं करता हूँ, जवाब देंगे एतराज क्यों करते हो, अरे जो वो हमारे जो मैंने जो तहरीर लिखी है वो आयन तौहीद और आयन ईमान है, जो मैंने आपको ये पेश किया, आपके एतराज वाली तहरीर पर मैंने जो सवाल किया ये आयन तौहीद है और आयन ईमान है, शुरू में बात कीजिए, अब जरूर के अलावा रुसवा हो गए ना, गुरु में आप बात कीजिए, ग्रुप में हो तो ग्रुप में बात करो, रुस्तुआ पढ़ो, रुस्तुआ नहीं वो तुम्हारे जो पेशाओं की कौल है, अभी उसके बाद आओ दो, इसमें क्या कौन सा कुफरिया है, तो आए नहीं तो ये अकीदा जो है जो आपने इतराज किया सफर नंबर 16 पर, तो आए नहीं ईमान है, आईने तौहीद है, आईने इस्लाम है, ये तो मतलब ये हुआ कि मेरे भी मुफ्ती जमाल साहब अल्लाह तबारक व तआला की